हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट से देखिए क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन के ऊपर। हमने एक्सरसाइज देखे पूरे, अभी कॉम्बिनेशन के ऊपर आज हम देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज क्या है, जैसे कि मेरे पास यन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैंने ग्रुप सिलेक्ट करने हैं कुछ। और मतलब क्या है कि यन ऑब्जेक्ट में से हमें कुछ नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, इज अ सबसेट ऑफ गिवन नंबर। मतलब यन नंबर अगर मेरे पास है तो यहाँ पे यन ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, यन ऑब्जेक्ट अगर है उसमें से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा आर, ठीक है। तो यन क्या रहेगा, आर क्या रहेगा, आर इज अ सबसेट ऑफ यन, ठीक है। आर इज अ सबसेट ऑफ यन, और आर इज अ सबसेट ऑफ यन हम ऐसे भी याद रखेंगे। मतलब यन के ही कुछ ऑब्जेक्ट हम आर पे लेने वाले हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन बना के उसको रखने वाले, तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। सिंपल यहाँ पे वर्ड में मैंने बताया आपको, इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है सपोज मुझे, और उसका कॉम्बिनेशन क्या है मेरे एन सी, ठीक है। यहाँ पे एन सी मैं रीड करूंगा, और आर इज द कॉम्बिनेशन, मतलब एन ऑब्जेक्ट में कि हमने आर कॉम्बिनेशन बनाई है। तो एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल है और इनटू है आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे रीड किया मैंने, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी, एक एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखो, एन सी एन माइनस आर, ठीक है, एन सी एन माइनस आर अगर है तो यहाँ पे रहेगा एन सी आर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है, एन सी अगर जीरो है, मतलब आर की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, वो है एन सी आर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन पी आर, मतलब परमुटेशन का जो हमने लिखा एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस अप टू, और यहाँ पे एक लिख लेते हैं प्लस इक्वल टू लिखेंगे हम एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी आर। तो एन सी आर मतलब एक अगर कम होता है, आर से अगर एक रेडियस होता है, तो एन सी आर माइनस वन, तो यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी आर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फाइव जो है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस अब एन सी टू यहाँ पे होगा प्लस अप टू, यहाँ पे अगर एन सी एन तक जाएगा तो उसका आंसर रहेगा टू रेज टू पावर एन। तो ये पांच प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसके ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले। तो एन सी आर फैक्टोरियल को कैसे गिराते हैं, हम फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, आप ऑलरेडी हमने देखा है। तो ये पांच फाइव प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं अभी एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो एक्सरसाइज 3.6 लिखा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ए हमें लिखेंगे यहाँ पे, ए दिया है 15C4, ठीक है, 15C4। जैसे कि हमने अभी फार्मूला लिया है यहाँ पे और एन सी आर वाला, क्या फार्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये आर इधर का हम इस साइड भी लिख सकते हैं, आर फैक्टोरियल ये भी हम कर सकते हैं। यार एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू 15 है, आर इज इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू 4 है। चलो हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा देखो 15C4 इक्वल टू आएगा ये 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस, ठीक है, 15 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 15 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये होगा 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर उसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा, देखो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है, इंटू आएगा ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में लिखता हूँ 11 फैक्टोरियल। तो ये 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 4 इंटू
फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन इंटू यहाँ पे बचेगा ट्वेल्व अपॉन फोर फैक्टर मतलब क्या है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन मतलब यहाँ पे अगर हम करेंगे देखो फोर थ्री जा ट्वेल्व ये थ्री थ्री इसके साथ में कैंसिल और टू यहाँ पे मैं लेता हूँ सेवन मतलब ये फिफ्टीन इंटू सेवन इंटू थर्टीन अगर करेंगे हम इसका क्या आंसर आएगा देर फोर फिफ्टीन सी फोर जो आएगा फिफ्टीन सी फोर क्या आएगा हमारे पास फिफ्टीन सी फोर आएगा देखो वन थ्री सिक्स फाइव ठीक है वन थ्री सिक्स फाइव इसको करेंगे वन जीरो फाइव इंटू आएगा ये थर्टीन ठीक है इंटू आएगा तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा हमारे पास ये आ गया वन थ्री सिक्स फाइव चलो सेकेंड देखो क्या था बी बी था हमारे पास एटी सी टू बी था हमारे पास एटी सी टू वही फार्मूला याद है 80 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 80 माइनस 2 का फैक्टोरियल ओके 80 माइनस 2 का फैक्टोरियल ये क्या होगा 80 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल और 80 माइनस 2 मतलब कितना आएगा ये आएगा 78 फैक्टोरियल इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या आएगा 80 इंटू 79 इंटू 78 फैक्टोरियल हो जाएगा रिवर्स करते हैं उसको यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 78 का फैक्टोरियल ये 78 फैक्टोरियल 78 फैक्टोरियल गेट कैंसिल यहाँ पे बच जाएगा 80 इंटू 79 टू फैक्टोरियल मतलब क्या है 2 इंटू 1 ये क्या होगा 80 इंटू मतलब ये होगा या 2 इंटू 1 होगा ठीक है 2 मिलेगा 40 तो 40 इंटू 79 कर देंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा 80 सी टू इज इक्वल टू 80 सी टू इक्वल 3160 ठीक है 3160 ये हमने बी सॉल्व कर लिया सी देखते क्या है सी क्या है हमारे पास देखो 15 सी फोर प्लस 15 सी फाइव सी देखो सी है 15 सी फोर प्लस 15 सी है फाइव ये हमें सॉल्व करना हम क्या कर लेते हैं उसको पहले सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 15 सी फाइव प्लस 15 सी फोर लिखते हैं क्योंकि ऐसा यहाँ पे हम करेंगे उसको सेम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन मतलब एक अगर कम हो रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है तो क्या क्या कहना ये आएगा यहाँ पे एन प्लस वन सी आर ठीक है एन प्लस वन सी आर मतलब ये 15 में एक ऐड हो जाएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे ये फार्मूला आ जाएगा 16 सी आर आर मतलब यहाँ पे फाइव ठीक है आर यहाँ पे लेना है फाइव 15 सी आर प्लस एन सी मतलब आर माइनस वन फाइव माइनस वन अगर करेंगे तो ये फोर आ जाएगा मतलब 16 फैक्टोरियल तो ये देखो क्या आएगा 16 सी फाइव इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस फाइव का फैक्टोरियल हो जाएगा ओके अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल 16 माइनस फाइव ठीक है 16 माइनस फाइव कितना आएगा ये भी आएगा 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये देखो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल हम उसको कर देते हैं और 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल हो जाएगा ओके यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गेट कैंसिल यहाँ पे क्या बच गया फिर अभी 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 6 इंटू सॉरी 5 इंटू 4 हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा मतलब 5 5 3 जा 15 हो जाएगा ये 3 इसके साथ में कैंसिल ये 4 3 जा 12 हो जाएगा ठीक है 4 3 जा 12 मतलब यहाँ पे 2 और ये 7 हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो रहेगा 16 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 ये आंसर क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15 सी 5 प्लस 15 सी ठीक है 15 सी 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 मतलब ये करेंगे तो 16 इंटू 7 इंटू 39 ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 4368 ठीक है आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं 4368 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ये हमने देख लिया सी अभी देखते हैं लास्ट का डी डी क्या था देखो डी था हमारे पास यहाँ पे 20C16 माइनस 90C16
ठीक है। तो यहाँ पे हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू क्या रहेगा, एन प्लस वन सी आर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 20 सी 16 है, ये हमारे पास देखो ये सपोज ये है 20 एन प्लस वन, मतलब हम उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 19 सी आर, आर मतलब क्या आएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 19 सी, ये आ जाएगा 15 आर माइनस वन 15, मतलब ये 9, ये जो यहाँ पे 20 सी 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 सी 16 प्लस 90 सी 15। तो ये अगर हम लिखेंगे यहाँ पे उसको लेते हैं, ये हम उसको लिख लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं आपको इसको लिखेगा हम, यहाँ पे आएगा 19 सी 16 प्लस 19 सी 15 माइनस ये 19 सी 16 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है हमारे पास क्या था, सिर्फ हमने क्या किया 20 सी 16 को ये फार्मूला अप्लाई कर दिया सी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब ये 19 प्लस 1 करके 20 हो गया, ठीक है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। तो उसको सेपरेट अगर कर दिया तो 19 सी 16 प्लस 19 सी 15, ये माइनस 19 सी 16 तो ऑलरेडी है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा, दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 19 सी 15। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अभी तो ये क्या जाएगा 19 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या रहेगा 19 माइनस 15, इसका आएगा फैक्टोरियल, ओके 19 माइनस 15। अभी ये क्या बचेगा, अभी देखो यहाँ पे ये होगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू मैं कर लाऊ दोस्तों 15, और क्या बचेगा नीचे यहाँ पे 15 फैक्टोरियल, और 19 माइनस 15 ये क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे बच गया 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, ओके। अभी ये नीचे क्या 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 4 दा 16 होगा, और यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, ठीक है, और 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा ये होगा 19 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 2, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 20 सी 16 प्लस माइनस माइनस 19 सी 16, 19 सी 16 इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3876, ठीक है 3876, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये पूरा फार्मूले के ऊपर आपको डिपेंड है। तो कैसे हमने फॉर्मुलेशन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फैक्टर गिराए हैं, फैक्टोरियल कैसे लिखा है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज किया है, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है कब कौन सा ये फार्मूला कब यूज किया, किसको क्या किया, तो ये आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे गलत ना हो। चलो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। चलो एग्जाम्पल नंबर टू देखो, एक्सरसाइज 3.6 हम देख रहे हैं, फाइंड एन, ठीक है, पहले दिया हमें फाइंड एन करना है। तो पी दिया है पी सिक्स पी टू इज इक्वल टू एन सिक्स सी टू, यहाँ पे परमुटेशन दिया है सिक्स पी टू, तो सिक्स पी टू मतलब क्या है एन सी एन पी, अगर हम यहाँ पे आर लिखेंगे एन पी आर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एन पी आर इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पे रहता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और दूसरा जो है एन सी आर वाला फार्मूला था अभी देखा हमने, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, ये दोनों फार्मूले हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहले देखो यहाँ पे एन सिक्स पी टू मतलब यहाँ पे क्या हुआ सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, ओके इक्वल टू एन, यहाँ पे होगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू सिक्स माइनस टू का फैक्टोरियल होगा, फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे होगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस टू, यहाँ पे होगा फोर फैक्टोरियल इक्वल टू एन सिक्स फैक्टोरियल अपॉन ये होगा टू और यहाँ पे होगा फोर फैक्टोरियल, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ ये फोर फैक्टोरियल इस फोर फैक्टोरियल का कैंसिल, सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल का कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सपोज एन इज इक्वल टू टू फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा एन इक्वल टू टू इंटू वन, देयरफॉर एन इक्वल क्या रहेगा एन इक्वल टू रहेगा वन, तो एन की वैल्यू क्या, सॉरी सॉरी एन इक्वल क्या रहेगा एन इक्वल क्या रहेगा टू इंटू वन टू होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिंपल था, फर्स्ट हमने कर लिया। अभी देखते हैं सेकंड, टू एन सी थ्री एन सी टू, ठीक है सेकंड देखते हैं आपकी बी है टू एन सी थ्री इज टू दिया हमें एन सी टू, एन सी टू ये दिया है 52 इज टू, ठीक है ये डिवाइड करना है इसलिए हमें देखो यहाँ पे ये जो हो जाएगा टू एन
सी थ्री अपॉन एन सी टू इज इक्वल टू 52 बाय 3। ठीक है, तो फार्मूला जो हमें दिया है यहाँ पे, फार्मूला के तरफ हम चलते हैं और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2n मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे होगा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा इनटू, अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 52 बाय 52 बाय। अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 2n, ठीक है, 2n फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करना है तो 2n उसको अंदर लिखना पड़ेगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ तक हम 2n फैक्टोरियल को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है, नीचे है हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, ओके, इनटू ये क्या था 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन, ऊपर लेता हूँ इसको, अपॉन क्या था हमारे पास n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल कब ले सकते हैं, n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का भी लिख सकते हैं, इक्वल टू रही है 52 बाय 3, ठीक है। अभी क्या होगा, n माइनस 2n माइनस 3 और ये 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा अभी 2n, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 अपॉन यहाँ पे बच गया 3 फैक्टोरियल, मतलब ये 3 इंटू 2 आप कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये क्या बचा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन क्या बच गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होगा 52 बाय 3, 52 बाय 3। चलो अभी ये क्या हुआ, ये 2 मैंने 2n लिखा, यहाँ पे 2n माइनस 1 है, यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 कॉमन, तो यहाँ करेगा n माइनस 1, इस ब्रैकेट में से मैंने 2n माइनस 2 था तो n माइनस 1 कॉमन ले लिया, अपॉन रहेगा इसका ये 2 इसके साथ कैंसल, यहाँ करेगा 3 और इंटू होगा ये 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। अब देखो ये n माइनस 1, n माइनस 1 के कैंसल, ये n और ये n के साथ भी कैंसल और इक्वल टू ये 52 बाय 3, ये 3 और ये 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देर फोर 2 इंटू 2 का 4, 2n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 52, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 52, मतलब अब हर यहाँ पे ठीक है, तो ये 2n माइनस 1 होगा इक्वल टू, मतलब ये मल्टीप्लाई दिए डिवाइड हो जाएगा 13, ठीक है, 13 बाय 52 बाय 4 हो जाएगा, तो ये होगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 13, तो n 2n इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 15, 14, 13 माइनस 1 इज प्लस हो जाएगा 14, तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, n इज इक्वल टू रहेगा 7, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 7 हमने ये किया, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b हमने सॉल्व कर लिया आपको। चलो उसके बाद में देखते हैं c, चलो c देखो लास्ट का, n c n माइनस 3 इक्वल टू 84 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा ये अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट डालेगा नहीं तो आप यहाँ पे क्या होगा साइन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये 84 है, ओके। चलो अभी क्या होगा, n फैक्टोरियल है ऊपर, n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको अगर हमने यहाँ सॉल्व कर लिया तो n यहाँ पे होगा, ये n प्लस है एक माइनस है, तो प्लस या माइनस इन कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा इसका फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3 फैक्टोरियल इक्वल टू होगा ये 84, ओके। अभी क्या होगा, यहाँ पे करेंगे हम n माइनस 1 है, तो यहाँ पे n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल में सामने लिखता हूँ, इक्वल टू आ जाएगा ये 84, यहाँ पे ये फैक्टोरियल, ओके। अभी n माइनस 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल के कैंसिल, इधर बचा अभी n n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू होगा ये 84 अपॉन का 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2, ये हुआ देखो n n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 84 इंटू होगा ये 6, ठीक है, 84 इंटू 6 मतलब ये हम लिखते हैं इसको n n माइनस 1 n माइनस 2 84 इंटू 6 है, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है, n की वैल्यू अगर निकालनी तो हम उसको कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 कर लेंगे,
देखो यहाँ पे 9 into 8 मतलब ये 84 into अगर हम 6 कर देते, ये क्या आता है 6 4 24 मतलब यहाँ पे 2 88 मतलब ये आएगा 504, ठीक है, ये कितना आएगा 550, ठीक है, ये 48 मतलब ये 48, हम ये 504 को ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 into 8 कितना आएगा, 9 into 8 72 into, ये अगर मैं 7 करता हूँ ये आएगा 4, बस ये आएगा 49 मतलब ये 504। तो ये हमने सिर्फ क्या कर लिया है, उसको n की वैल्यू निकालने के लिए 504 को सिर्फ 9 into 8 into 7 के फॉर्म में उसको लिख दिया, तो ये n की वैल्यू। अगर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि 9 into 8 into, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने, देखो अगर मैं n की वैल्यू 9 लिखता हूँ तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए तीन ब्रैकेट में, 9 - 1 ये आना चाहिए और ये 9 - 2 ये यहाँ पे 7 आना चाहिए, प्रोडक्ट तीनों का क्या आना चाहिए 504 आना चाहिए, ये नंबर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे n इज इक्वल टू आने वाला है मेरे पास 9। अब n की वैल्यू यहाँ पे डालते हो तो आपको ये सभी में n की वैल्यू 9 से मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो n इज इक्वल टू 9 हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो c का जो आंसर था हमारा लास्ट का n इज इक्वल टू 9। चलो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, फाइंड आर इफ 14C3R इज टू 10C2R-4 है इक्वल टू 143:10। तो हमें यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14C3R इज टू है ये 10C2R-4 इक्वल टू 143:10, ओके इन 143। और इसको फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये होगा 14C3R अपॉन इसके आएगा ये 10C2R-4 इक्वल टू 143/10 हो जाएगा 10। इसको अगर हम लिख लेते हैं अभी फार्मूला कॉम्बिनेशन का हम लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3R का फैक्टोरियल है, क्या है 3R का फैक्टोरियल, 3R फैक्टोरियल ब्रैकेट में क्या रहेगा 14 - 3R का फैक्टोरियल, ओके। अब ये डिनोमीटर में उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा 2R-4 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में क्या रहेगा 10 - 2R और ये 2R-10 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा ये फैक्टोरियल अपॉन नीचे रहेगा ओनली 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 143/10, ठीक है 143/10। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है, नीचे क्या होगा 14 माइनस और ये होगा 14 - 2, यहाँ पे देखो क्या दिखा है 3 फैक्टोरियल है, ठीक है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, ओके यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल दिया है, ये फैक्टोरियल थोड़ा 3 फैक्टोरियल दिया है, चलिए तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो एग्जाम्पल हमारा थोड़ा गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल 2R होगा, यहाँ पे 2R होगा, ओके ये 2R होना चाहिए, तो ये जाके राइट हो जाएगा हमारा 2R फैक्टोरियल, यहाँ पे जाएगा 2R फैक्टोरियल, ठीक है 10 CR ये बाकी बराबर है, सॉरी अब ये 14 मतलब ये आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2R का फैक्टोरियल, हाँ 2R फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 14 - 2R इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल में बुक टेक्स्ट में क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, तो ये 2R-4 का फैक्टोरियल हमने लिखा है और यहाँ पे 10 मतलब ये 14 - 2R इसका फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन रहेगा ये 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 143/10, ठीक है 143/10, तो मतलब ये 10 फैक्टोरियल और ये 14 - 2R और 14 - 2R फैक्टोरियल कैंसर, तो यहाँ पे जो बचेगा ये आएगा 14 × 13 × 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा और इंटू यहाँ पे बचेगा 2R-4 इसका ही ये फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो गया 2R का फैक्टोरियल इक्वल टू 143/10, ठीक है 143/10। अभी क्या होगा ये, अभी देखो यहाँ पे नीचे है यहाँ पे इंटू 10 फैक्टोरियल, ओके 10 फैक्टोरियल गेट कैंसर, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल कैंसर। अभी यहाँ पे क्या होगा 14 × 13 × 12 × 11 और यहाँ पे हो जाए 2R-4 का फैक्टोरियल अपॉन ये 2R फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2R - 1 2R-2 2R-3 और 2R-4 इसका होगा ये फैक्टोरियल इक्वल टू 143/10, ठीक है। अभी ये क्या होगा 2R-4 फैक्टोरियल के कैंसर, ये बचेगा यहाँ पे 14 × 13 × 12 × 11 अपॉन रहेगा हमारे पास 2R 2R-1
2R माइनस 3 इक्वल टू रहेगा 143/10 हो गया। चलो अभी ये क्या होगा, 143 मतलब हम अगर यहाँ पे इसको कर ले 14, अगर हम यहाँ पे 11 × 13 कर लेते हैं, ठीक है 11 × 13 देखो यहाँ 11 × अगर 13 कर लेते हैं, 13 × 13 3 1/13 143, तो यहाँ पे हुआ ये 14 × 12 × 143, ओके। और ये मल्टीप्लाई होगा 10, यहाँ पे इधर साइड डिवाइड इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2R, 2R-1, 2R-2, 2R-3, ओके ये होगा 143, ये 143, 143 के साथ में कैंसिल। अभी क्या बच गया, ये होगा 2R-1, मैं इस साइड लिख देता हूँ उसको 2R-2 और 2R-3 इक्वल टू होगा ये 14 × 12 × 10, ठीक है 14 × 12 × 10। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, अभी ये हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली R इज इक्वल टू और 2R इज इक्वल टू हम 14 नहीं लिख सकते, इसको 14 अगर लिखेंगे तो R इक्वल टू कितना आएगा, R इक्वल आएगा 7, अगर हम ऐड करेंगे 14-1 कितना होगा, ये 14-, यहाँ पे 3 ही नंबर है, हमें 4 नंबर चाहिए। तो ये करते समय हमें क्या करना है, हम इसको लिख लेते हैं 2R, 2R-1, 2R-2, 2R-3 है हमारे पास। तो ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये आएगा 1680, ठीक है 1680। हमें चाहिए n r की वैल्यू निकालनी है तो 2R, 2R-1, 2R-2, 2R-3, ये 1680 को हम क्या कर देंगे, इसको अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं 1680 इसको हम कर देंगे 8 × 7 × 6 × 5, यहाँ पे कितने ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है, तो 4 नंबर मुझे चाहिए थे 8 × 7 × 6, ये सीक्वेंस में नंबर आते हैं, ठीक है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो 2R इक्वल टू कितना आएगा, ये 8, दैट इज R इक्वल टू कितना आएगा, R इक्वल टू आएगा 4। अब पूरे ब्रैकेट में इसमें डालेंगे तो ये वही आंसर आने वाला है R इक्वल टू 4, देखो मतलब यहाँ पे नंबर पहले ब्रैकेट का 8 में था, दूसरा 7 आना चाहिए, यहाँ पे मैं अगर R इक्वल टू 4 रखता हूँ, ठीक है 4 × 8, 8-1 कितना होगा 7, यहाँ पे 8-2 कितना होगा 6, यहाँ पे 8-3 कितना होगा यहाँ पे 5, मतलब देयरफॉर R इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर है हमारा, R इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो था हमारा, ये टेस्ट में थोड़ा गलत था, यहाँ पे 3R था, हमने टॉप 2R लिख के उसको सॉल्व किया है, आंसर हमारा सही आ गया। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, फाइंड n एंड r, मतलब n एंड r की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ये हमें a n p r इक्वल टू दिया 720 एंड n c n माइनस r इक्वल टू दिया है 120, ठीक है। अब n p r मतलब यहाँ पे हम देखो n p r का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, और n c n माइनस r इसको क्या लिखते हैं हम n c r, एन सी आर इक्वल टू, तो एन पी आर इसे हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमें आर की वैल्यू करनी है, तो एन सी आर इक्वल टू हमारे पास ये है एन पी आर अपॉन है आर फैक्टोरियल, ये भी फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, हमें लिखा है पहले, तो ये क्या होगा एन सी आर, मतलब ये जो है इसको हम लिख लेंगे एन सी आर, इसकी वैल्यू जो हो गई यहाँ पे 120 हो गई, ठीक है 120 इक्वल टू एन पी आर, इसकी वैल्यू हो गई 720 अपॉन है आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब ये रहेगा यहाँ पे, देयरफॉर आर फैक्टोरियल इक्वल टू 720/120, ये 0 0 के कैंसिल, 12 × 6 = 72, मतलब आर फैक्टोरियल जो हमारे पास है आर फैक्टोरियल इक्वल आ गया कितना आ गया 6, आर फैक्टोरियल इक्वल 6, हमें निकालनी आर की वैल्यू, तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 × 2 × 1 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इक्वल टू हमारे पास आएगा R इक्वल टू आएगा ये 3, ठीक है R इक्वल टू कितना आएगा 3 का फैक्टोरियल, अगर ऊपर से R फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा 3 का फैक्टोरियल नीचे लिखता होगा R इक्वल टू कैसे लिख गया हियर R फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अगर लिखते हैं उसका उत्तर 6 आता है, तो सिंपल R इक्वल टू क्या है 3 है। अभी R का होगा, अभी निकलना है n, यहां पे मिला है इसका थोड़ा n निकलना है, फार्मूला क्या था हमारे पास देखो, फार्मूला था हमारे पास एन पी आर इक्वल टू दिया 720 और एन पी आर इक्वल टू तो 720, अभी ये क्या होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 720, हमने आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 3, तो एन फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पे एन माइनस इसका होगा फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होगा 720,
ठीक है। अभी एन फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड एन माइनस थ्री हो जाएगा अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इक्वल टू होगा ये 720। एन माइनस थ्री फैक्टोरियल गेट कैंसिल, देयरफॉर क्या बचेगा ये एन एन माइनस वन एन माइनस टू इज इक्वल टू होगा 720। अब ये 720 को हमें तीन ब्रैकेट को सेटिस्फाई करना है, मतलब एन एन माइनस वन एन माइनस टू इसको अगर हम लिखेंगे 10 इंटू 9, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 8, तो 90 इंटू 9 8 जा 72, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू होगा 10। देखो आप करके एन आर इक्वल टू होगा हमारे पास आ गया 3 और एन इज इक्वल आ गया 10। चलो फर्स्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ पे क्या है, सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया हमें, एन सी आर इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन इक्वल टू 20 इज टू 35 इज इक्वल टू इज टू 45 दे रहा है। हम क्या करेंगे इसके दो दो पेयर बनाएंगे, देखो यहाँ पे एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर अगर कर लेंगे हम इक्वल टू 20 इज टू 35 कर लेता हूँ। ओके अभी सेकंड पेयर जो है हमारी एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन, ठीक है, एन सी आर प्लस वन इक्वल टू ये करेंगे हम 35 इज टू 42, ठीक है, 35 इज टू 42। तो ये हमने इक्वेशन सपोज यहाँ पे वन एंड इक्वेशन टू उसको बना लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे इक्वेशन करेंगे यहाँ पे टेक वन दैट इज एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इक्वल टू 20 इज टू 35, ठीक है, 20 इज टू 35। एन सी आर मतलब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन ये रहेगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल ब्रैकेट में क्या रहेगा एन माइनस आर प्लस वन होगा, आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ये डिवाइड हो जाएगा तो नॉर्मली क्या आएगा ऊपर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन नीचे आएगा एन फैक्टोरियल इक्वल टू आएगा ये 20/35। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल गेट कैंसिल, नीचे जो आएगा ये आएगा देयरफॉर वन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल और अगर एन माइनस आर प्लस वन इसका आएगा ये फैक्टोरियल इंटू ये आएगा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपन तो इसके यहाँ पे वन बच गया, ये क्या आएगा 20/35। अभी ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है और ऊपर आर फैक्टोरियल है, अगर ये हम आर फैक्टोरियल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, देखो आर आर माइनस वन का फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे होगा एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे रहेगा यह आर माइनस वन का फैक्टोरियल है और एन माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल है इक्वल टू ये रहेगा 20/35। अब देखो ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल गेट कैंसिल, यहाँ पे बच जाइए आर आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल होगा ये इक्वल टू होगा ये 20/35, ठीक है 20/35। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है एन माइनस आर, तो ये एन माइनस आर प्लस वन अगर हम यहाँ पे माइनस वन कर देंगे मतलब यहाँ पे आर आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो है अगर नीचे जो है हमारा एन माइनस आर प्लस वन फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन एक माइनस वन उसका हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है एन माइनस आर रहेगा, ठीक है एन माइनस आर कैंसिल हो गया। अभी ये ऊपर रहेगा सिर्फ आर माइनस वन, तो आर माइनस वन जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया यहाँ से गलती से थोड़ा ये हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था ये लाइन कैंसिल होनी चाहिए, यहाँ पे फैक्टोरियल है ये एक्चुअली इसके साथ कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे रहेगा एन माइनस आर, ठीक है एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पे रहेगा ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है ये फैक्टोरियल का इक्वल टू 20/35 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन होगा ये और इसके साथ क्या होगा ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यहाँ पे रहेगा एन माइनस आर तो ये इसके साथ एन माइनस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 20/35। इसको अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते 35 आर इक्वल टू रहेगा ये 20 एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, मतलब ये होगा देयरफॉर 35 आर, ठीक है 35 आर इक्वल टू होगा 20 एन माइनस 20 आर प्लस ये क्या होगा प्लस होगा यहाँ पे 20, ठीक है प्लस क्या होगा यहाँ पे 20 होगा, मतलब ये 20 आर इस साइड आएगा तो प्लस होगा ये होगा 55 आर और ये होगा माइनस 22 एन 55 आर माइनस 22 एन इज इक्वल टू रहेगा ये 20। ओके अगर हम यहाँ पे 11 से कर लिया उसको तो यहाँ पे क्या होगा 24 यहाँ पे रहेगा 4, मतलब
ट्वेंटी आर होगा, ये ट्वेंटी एन हो गया और ये ट्वेंटी हो गया, मतलब ये ट्वेंटी हो गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, इससे अगर हम फाइव से डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या आएगा एलेवन आर माइनस एलेवन, मतलब फाइव से डिवाइड किया, यहाँ पे ट्वेंटी है, यहाँ ट्वेंटी एन नहीं, तो यहाँ पे आएगा फोर एन और यहाँ पे आएगा फोर। इसको देते हैं इक्वेशन थ्री, चलो इक्वेशन थ्री। वैसे हमें क्या करना है, अभी दूसरी पेयर लेनी है ना, सेकंड इक्वेशन जो दिया था हमें एन सी आर, एन सी आर प्लस वन, नाउ सेकंड दिया था एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी फाइव इज टू, थर्टी फाइव इज टू कितना था ये, थर्टी फाइव इज टू था ये फोर्टी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन सी आर, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या रहेगा ये आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इन टू, ये क्या होगा यहाँ पे आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या रहेगा एन माइनस आर माइनस ये होगा वन, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन रहेगा एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाय फोर्टी टू। ठीक है, ऐसा ऊपर का हमने सॉल्व किया, वैसा ही अगर हम इसे सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो आपको उसको प्रैक्टिस आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन आएगा, थर्ड इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे देखो, एलेवन आर माइनस आएगा यहाँ पे फाइव एन इज इक्वल टू आएगा माइनस सिक्स, इक्वेशन आएगा ये। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग ऐसे ऊपर का मैंने सॉल्व किया, वैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन आएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर सब्ट्रैक्ट करना है आपको इक्वेशन थ्री, ठीक है, इक्वेशन फोर माइनस थ्री करना है, ठीक है, इक्वेशन फोर माइनस थ्री करना है, मतलब फोर में से थ्री माइनस करना, थ्री में से फोर माइनस करो, इक्वेशन थ्री माइनस फोर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन थ्री माइनस फोर, ठीक है, इक्वेशन थ्री माइनस फोर वर्क करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलेवन आर माइनस यहाँ पे था फोर एन इक्वल टू था फोर, और यहाँ पे कितना था माइनस करेंगे आप एलेवन आर माइनस था फाइव एन और इक्वल टू माइनस सिक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा यहाँ पे ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव एन मतलब ये रहेगा एन इज इक्वल टू होगा ये टेन, ठीक है, एन इज इक्वल टू टेन, पुटिंग एन इज इक्वल टू टेन, कोई भी इक्वेशन डाल दो, पुटिंग एन इज इक्वल टू टेन इन इक्वेशन, अगर हम थ्री में डाल देते इक्वेशन थ्री, पुटिंग एन इज इक्वल टू टेन इक्वेशन थ्री में अगर हमने डाल दिया, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा एलेवन आर माइनस टेन मतलब ये फोर्टी इज इक्वल टू फोर, एंड देयरफॉर एलेवन आर इज इक्वल कितना होगा ये फोर्टी फोर, देयरफॉर आर इक्वल कितना होगा आर इक्वल होगा फोर, ठीक है, एन इज इक्वल होगा टेन एंड आर इक्वल होगा फोर। इस प्रकार हमने क्वेश्चन वन से क्वेश्चन फोर पूरे यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो सब्ट्रैक्शन वहाँ पे उसके पहले का जो इक्वेशन निकाला है इक्वेशन फोर आपको अच्छी तरह से करना है, वही इक्वेशन आना चाहिए, और इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन वन से लेकर फोर तक खत्म कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।